नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। एसटीएफ फिरोजपुर रेंज ने 7 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। जालंधर के घास मंडी में एक दुकानदार पर बाइक सवार लुटेरों ने तेज धार हथियार से किया हमला, फोन और 8,000 की नकदी लूट हुए फरार। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एसटीएफ फिरोजपुर रेंज ने एक आरोपी को 7 किलो हेरोइन और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी एसटीएफ फिरोजपुर रेंज के डीएसपी राजबीर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि खास मुखबिर की सूचना पर सुखवंत सिंह निवासी चक बजीदा उर्फ टाहली वाला को 7 किलो हेरोइन और एक मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान सुखवंत सिंह ने कबूल किया कि वे ये खेप ड्रोन के रास्ते पाकिस्तान से मंगवाता था और उक्त हेरोइन को आगे सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था। डीएसपी ने बताया कि एसटीएफ के एएसआई बलकार सिंह की टीम ने उसे काबू कर लिया। उन्होंने कहा कि अभी पूछताछ जारी है जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ये 7 किलो हेरोइन रिकवर की है जी, तो ये कबाए दे नज़दीक तो की हैगी है जी, लिंक रोड तो। टीम सर केड़ी ने फड़ी है? साढ़े एएसआई बलकार सिंह की टीम सी जी, और साढ़े को इनफॉरमेशन सी भी है फलां बंदा जिहड़ा हैगा ये हेरोइन मंगवाउंदा हैगा पाकिस्तान तो, ते फरदर अगे डिलीवरी करता है। असीं इहनूं अपनी सर्वेलेंस संधि कर रहे सीगे, सर्वेलेंस कर रहे सी, सोर्स बेस्ड ऑपरेशन किया जी असीं, तो कल सानू इनफॉरमेशन मिली भी ये बंदा अज ड्रगें दे कोले आई है, ऑलरेडी तेने डिलीवरी देनी है, तो असी उस एरिया दे विच अपनी टीम लगाई सी जी, जालंधर के बस्तियात इलाके में चोरी और लूटपाट की वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। वहीं ताजा मामला घास मंडी से सामने आया है, जहां सुबह श्री गणपति ट्रेडर की दुकान में तेजधार दांत से बाइक सवार लुटेरों ने दुकानदार पर हमला कर दिया। वहीं पीड़ित व्यक्ति की पहचान दीपक के रूप में हुई है। पीड़ित दीपक ने बताया कि वह सुबह 6 बजे दुकान खोलता है। सुबह दूध की गाड़ी कोहरे के कारण लेट हो गई थी, इस दौरान बाइक पर 2 युवक आए और वे पहले आगे चले गए, जिसके बाद वे फिर वापस आए और आते ही उन्होंने दीपक की गर्दन पर दांत रख दिया और पैसों की मांग करने लगी। वहीं दीपक ने कहा कि उसने अपने पास सरिया रखा हुआ था, उसने सरिया निकाला और लुटेरों के साथ 5 से 10 मिनट तक मुकाबला करता रहा, लेकिन उसके बावजूद लुटेरे उस पर हमला करके उससे फोन और 7 से 8,000 रुपयों की नकदी लेकर फरार हो गए। दीपक ने बताया कि जाते समय लुटेरे कहकर गए कि इनको ज्यादा चोट नहीं पहुंचानी, ये अपनी जान पहचान की है। वहीं दीपक ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दो अनपहचाने बंदे आए हैं, मुंह पे रुमाल पेटिया, पल्सर मोटरसाइकिल थी ब्लैक कलर का, तो मैंने मेरे आगे मेरे गर्दन पे दांत रखता, उन्होंने कहने जो कुछ हैगा कर दो, मेरा मोबाइल को खोलिया तो 7-8 हज़ार रुपये नकदी हुई, तो उन्होंने मेरे नाल मार के चली गई, तो मैं नशे की हालत जाते जाते कह के भी जे कुछ जाते जाते कह के भाजी मेरे बाथरूम ने इन्हों सट्टा होर ना मार, तो पुलिस से कितनी कंप्लेंट तो पुलिस से करती है थाना भार आए से कोई? हाँ जी आए, ऐसे ही आए थे। जीरो विजिबिलिटी व कंप कंपा देने वाली ठंड में तड़कसार नगर निगम की बिल्डिंग विभाग शाखा का अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया, तो वहीं विरोध के बीच खांबड़ा स्थित कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। एटीपी सुखदेव सिंह कर्मचारी विजय की देखरेख में बिल्डिंग विभाग की टीम ने खांबड़ा में 7 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। इस दौरान कुछ लोग विरोध करने जरूर आए, लेकिन नगर निगम की टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। वहीं एटीपी सुखदेव सिंह ने बताया कि निगम कमिश्नर आदित्य उपल के आदेशों पर यह एक्शन लिया गया है, आने वाले दिनों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 7 एकड़ में बन रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ निर्माण चल रहे थे जिन्हें भी हटाया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर सिटी एनक्लेव एक्सटेंशन कॉलोनी
60 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ WBM ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਵਰ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा की अगुवाई में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रात के समय 18 सेवा केंद्रों में चोरियां करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने पेशेवर तकनीकी और वैज्ञानिक सूझबूझ के माध्यम से इन सभी चोरी के मामलों की जाँच की। उन्होंने बताया कि जाँच के आधार पर पता लगा कि चोरी की वारदात को अमित मरवाहा निवासी मोतीनगर जालंधर ने अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि अमित मरवाहा ये चोरी का सामान ईश्वर दत्त निवासी आनंद नगर जालंधर जो कि शहर में एक दुकान चलाता है उसे बेचता था। जांच के बाद ये भी सामने आया कि दोनों की मदद इंद्रेश मक्कड़ उर्फ सोनू निवासी सिल्वर रेजिडेंसी अपार्टमेंट वडाला चौक जालंधर ने की थी। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया है और प्राथमिक जांच में ये खुलासा हुआ है कि इन तीनों ने जिले के 18 सेवा केंद्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 11 प्रिंटर, 4 LED, 3 कलर प्रिंटर, 1 स्कैनर, 19 डेस्कटॉप, 3 कीबोर्ड, 1 पंप, 1 टूल किट सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 18 ਕੇਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਡੈਸਕਟੌਪ ਨੇ ਜੀ, 11 ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ, 3 ਕਲਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ, 1 ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ID ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਲਾਲਚਵਸ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ? ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ 2 ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? 2 ਜਣੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ। फिरोजपुर में पंजाब पुलिस प्रशासन की तरफ से नशे को रोकने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें इलाकावासियों सहित सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने मिलकर इस रैली में भाग लिया। यह रैली शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा पार्क से शुरू होकर फिरोजपुर छावनी के मेन बाजार से होते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड के स्टेडियम में समाप्त हुई। इस संबंधी SP हेडक्वार्टर सोहन लाल ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है उसके चलते पंजाब पुलिस की तरफ से फिरोजपुर छावनी में नशे के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि रैली निकालने का मकसद पंजाब को नशा मुक्त करना है इसलिए नौजवानों को खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि इस नशे जैसी नामुराद बीमारी से बचा जा सके। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ DGP ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ SD ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ
ਅਤੇ ਰੰਗਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के दर्शनों की अभिलाषा को अपने मन में लेकर श्रद्धालु दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वहीं बटाला का रहने वाला एक नौजवान नितिन प्रभु श्री राम जी के दर्शनों की इच्छा को अपने मन में लेकर साइकिल पर 1115 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए घर से रवाना हो गया। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बटाला के रहने वाले नौजवान नितिन की है, जो श्री राम जी के दर्शनों के लिए साइकिल यात्रा कर अयोध्या जा रहा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान नितिन ने बताया कि वह बटाला का रहने वाला है और जब अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू हुए थे, तब से ही उसके दिल में एक तमन्ना थी कि वह श्री राम जी के दर्शनों के लिए अयोध्या जाएगा। वही नौजवान ने कहा कि वे अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए साइकिल यात्रा पर रवाना हुआ है और यह उम्मीद करता है कि भगवान उसकी यात्रा को सफल करें। नौजवान ने कहा कि सभी धर्म एक समान है और भगवान भी एक ही है। वही उन्होंने कहा कि इस दिन को सब वर्गों को मिलजुल कर श्रद्धा भावना के साथ मनाना चाहिए और 22 जनवरी के दिन को दीपावली की तरह अपने घरों में दिए जलाकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। देखो, ये नहीं कोई आएगा भी नहीं है, तरह मन च श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी गल है कि मेरे फादर साहब उन्होंने कल पता लगा सी मैं जा रहा वहाँ, देखो मन की श्रद्धा वा, ठीक है ना। कोई चल के आ रहा, कोई पुट्ठा चल के आ रहा, तुम्हें पता ही है। बाकी जो साधु संत है उन्होंने भी तपस्या की, फिर ही परमात्मा ने पाया, करके कुछ ना कुछ करना पड़ता। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन व निगम प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए कार्य में दिक्कतें भी आनी आरंभ हो गई हैं, जिसके चलते कुछ वेंडर अपनी प्रधान बलवंत के साथ निगम कमिश्नर आदित्य उपल से मिले। निगम कमिश्नर आदित्य उपल से मिलने के बाद बलवंत ने बताया कि वह प्रशासन के साथ है, लेकिन जब रेहड़ी फड़ी वाले प्रशासन द्वारा दी गई जगह पर जाते हैं तो वहां के जमीन मालिक रेहड़ी व फड़ी नहीं लगाने देते। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा वहां पर कोई सुविधा भी नहीं है। कपूरथला चौक के पास पुड्डा की ग्राउंड में उन्हें रेहड़ियां लगाने के लिए कहा गया तो वहां से पुड्डा विभाग ने रेहड़ियां हटा दी। विभागों की आपसी तालमेल की कमी के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निगम कमिश्नर ने उन्हें भरोसा दिया है कि आगे उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो, सारे शहर दे विच एक अभियान चलिया है कि जिहड़े सड़कां दे उत्ते रेहड़ियां फड़ियां लोग लगांदे आ उन्हां नूं वेंडर जोन दे विच शिफ्ट करता जाएगा। और पिछे जे साडे सीपी साहब ने और ट्रांसमिशन कमिश्नर साहब दे पूरे अमले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिहदे विच शहर में चार जोनां दे विच वंडिया गया और 54 प्लेसिस जिहड़ियां हैगियां वो निर्धारित कीतियां गईयां कि ये लोग जिहड़े उस जगह दे उत्ते जाके वेंडर जोन लगाणगे। और सानू भी काफ़ी गल मंजूर है, कारण की है कि लोग सड़कों के उत्ते लगाते सके, लोगों को लगता सका कि आवाजाई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जबकि पूर्ण रूप के इदा का नहीं सगा मसला, लेकिन फिर भी असी सरकार के नाल तालमेल बिठाते हुए इन्हों की गलू एग्री कर गए। लेकिन जो हूँ प्रॉब्लम यह आई है कि जो इन्होंने वेंडर जोन जोड़े दते है उस जगह के उत्ते लोग लगाने वास्ते जो जाते हैं तो उत्थे जे डिपार्टमेंट के अधिकारी है जिदा पुड्डा के अधिकारी है जो होर डिपार्टमेंट के अधिकारी है उस जगह के उत्ते उन्होंने लगान नहीं देंगे। वो कहते कि ये जगह जी है साडे डिपार्टमेंट की है, असी ये जगह के उत्ते नहीं लगा देवे। तो अच्छ कमिश्नर साहब की कहते हैं? कमिश्नर साहब ने हूँ जे पुड्डा के अधिकारी जोड़े सके दरबारा सिंह जी उन्होंने फोन के उत्ते गल की। जालंधर वेस्ट में दुकानदारों की ओर से ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब कोई ग्राहक उनकी दुकानों के बाहर अपनी कार, एक्टिवा या बाइक पार्क करता है तो उसकी गाड़ी पर स्टिकर लगाकर उसका चालान कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनकी गाड़ियां भी नहीं खड़ी होने दे रहे।
जिसके चलते वे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस से कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी सख्ती करें, लेकिन जो लोग अपनी खुद की गाड़ियां लगा रहे हैं, अगर वे यहां पर नहीं लगाएंगे तो कहां पर लगाएंगे। गौरतलब रहे कि पुलिस कमिश्नर जालंधर की ओर से शहर में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते पूरे शहर में सख्ती की हुई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। की नाम अपना जी? मेरा नाम आशीष। आशीष, की मामला की सर, धरना लगाना पै गया? मामला ये जी, अज एक महीना हो गया, साडिया दुकाना के मोहरे साडिया अपनी गड्डिया ही, या कोई साडे को जो कोई गाहक भी आ जाता ना, उन्होंने एक सैकंड भी इतने खड़े नहीं होने देंगे। जब दुकानदार गाहक बेचारा अंदर वड़ते तो बाहरों स्टिकर ला के बंदे का चलान कर देते, उस तो बाद उल्टे सानू प्रेशराइज करते हैं भी तुम अपने भी स्कूटर मोटरसाइकिल भी इतों चको। जो कोई साढ़े कोई बंदा माल छड़न आता दुकान के उत्ते, आफ्टरऑल 10-15 मिनट तो लगते ही है ना किसी न किसी को, ये कहें जी असं एक सैकंड ही नहीं खड़े होने देना, जो मर्जी हो जाए। गाहक साढ़े को आना ही खत्म हो गया जे, वो कहें ताे सड़क के उत्ते ताे को की करना ही है, चलान थोड़ी करा नहीं, जो चलान होते हैं गड्डिया के होंगे कि कस्टमर के भी होंगे? कस्टमर के ही होंगे ज्यादा जी। मेरा काम है सिर्फ चलान करना, मैं चलान करके चले जाना, मैं किसी ने कोई नहीं लैन देना। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਅਵੈਧ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 500 ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵੈਧ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੋ ਫੜੋ ਚਲਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ 5 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਯੈਲੋ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ? ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰੋਲ श्री हेमकुंठ साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के गुरुद्वारा साहिब श्री ऋषिकेश में दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व ट्रस्ट के प्रधान नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा की अगुवाई में धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया। श्री हेमकुंठ साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से गुरुद्वारा साहिब को कई तरह के फूल और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और गुरुद्वारा साहिब में आने वाली संगत के लिए सुबह से ही कॉफ़ी का लंगर भी लगाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में संगत ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब में श्रीखंड पाठ साहिब जी के भोग के पश्चात गुरुद्वारा ऋषिकेश के गुरमत संगीत बाल विद्यालय के विद्यार्थी जत्थे भाई गुरमेल सिंह जी कथावाचक सहित हजूरी रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री, अजेंद्र अजय, महेंद्र भट्ट, भाई गुरबचन सिंह ने सभी संगत को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ट्रस्ट के प्रधान नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा की ओर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को सिरोपा साहिब और दोशाला देकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर श्री हेमकुंठ साहिब के सचिव और ट्रस्टी रविंदर सिंह, मैनेजर दर्शन सिंह, मैनेजर करनैल सिंह सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। अंत में गुरु का अतुट लंगर भी वितरित किया गया। ऋषिकेश से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में हम लोग बड़े ही इस पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ऐसे इस पावन पर्व के अवसर पर इस परम पवित्र पावन हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा
के अंतर्गत सभी सिख समाज से पधारे हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, बच्चे और जितनी सिख संगत है, नरेंद्र सिंह बिंद्रा जी के नेतृत्व में जो ट्रस्ट बहुत ही अच्छे कार्यों को गति दे रहा है, मैं उन सब को आज इस पावन पर्व के अवसर पर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि सभी के जीवन में दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और ये सभी परिवार, ये समाज निरंतर उन्नति को प्राप्त करे। आज गुरु महाराज के पुरब से किसी भी पहुंचे हो बड़ा अच्छा लगे, और तुझे देखा होगा कि किस उत्साह में संगत गुरु के नतमस्तक हुई है। दूसरा सब तो अच्छी जड़ी गल लगी है कि इतने जो गुरुजी सांझी वार्ता ते सांझा संदेश सी वो तुहानू इत्थे देखण नू मिलिया होगा। इत्थे साडे विद्यालय दे अगर बच्चे सी ते नाल ही संस्कृत विद्यालय भी बच्चे सी, जे अगर रागी सिंह ने बहुत अच्छा सानू कीर्तन नहीं रिहायत ध्यान दिता ते नाल ही साडे कोल संस्कृत विश्वविद्यालय के जिहड़े वाइस चांसलर जी जिहड़े उन्होंने गुरुआं दी महिमा च जिहड़ा गुणगान कीता वह काबिले तारीफ है। यही जी गुरु ने सानू शिक्षा दी है कि सारी मानव जाति एक है। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ। सर्वप्रथम मुख्य यजमान सुख एवं समीर कपूर से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माल है मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहूतियां डलवाई। तो वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण आहूति के उपरांत धाम के सेवादार नवजीत भारद्वाज जी ने आए हुए भक्तों से रामचरितमानस के बारे में व्याख्यान करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम जी का जीवन आदर्श और कर्तव्यों पर आधारित है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रभु श्री राम जी के जीवन से उनके आदर्शों को सीखने का संदेश देते हुए नवजीत भारद्वाज जी ने कहा कि लंका चढ़ाई के समय श्री राम जी ने विनय पूर्वक समुद्र से मार्ग देने की गुहार लगाई। समुद्र से आग्रह करते हुए श्री राम जी को 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब भगवान श्री राम समझ गए कि अब अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना अनिवार्य है। रामायण की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आग्रह से जब काम ना बने तो फिर भय से काम निकाला जाता है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, राकेश प्रभाकर, अवतार सैनी, एडवोकेट राजकुमार, जानू, रिंकू सैनी, बलजिंदर सिंह, अजीत कुमार, गौरी, केतन शर्मा, अमन सुखा, अमरजीत सिंह, चेतन, मुनीश, हर्ष मोंटी, नवदीप, उदय, अजीत कुमार, मुनीश शर्मा, देशांत शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, मानव शर्मा, हंसराज शंकर, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्यामलाल, बाबा जोशी, मनदीप, राजेश, रविंद्र, अशोक, अमित, विनोद खन्ना, अभिलक्ष्य चुग, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, दिनेश शर्मा, अजय मल्होत्रा, विक्की, अजीत साहू, प्रवीण, दीपक, अनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, विजय, सौरभ, केविन शर्मा, मुनीश मेहरा, बलदेव राज, साहिल, दीपक, सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जिहड़ा प्रतिष्ठा हो रही है वो प्रतिष्ठा के करके जिन्ने भी विचार जिन्ने भी छंद जिन्ने भी छुपाइया कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके वीरवार वाले हवन यज्ञ दे भी और शनिवार वाले हवन यज्ञ दे भी असी लगातार उन्होंने जिहड़े विचार बनते वो प्रकट करांगे।
अज का जो भाव है ये हाथ जोड़े किसी के मुंह में बेहद लिखी कि वह ना समझे फिर भैन भी कम कढ़ाया जाता है जिदा लोगों ने परमाणु बंब उड़ाए ने लोगों ने पर चलाते नहीं है पर उन्होंने सेल्फ डिफेंस कहते हैं अज का भाव ये है कि बहने लोग नबरी भगवान श्री राम जी ने जो रामेश्वर तट से बैठ के भगवान जी की पूजा की भोलेनाथ जी की पिछली बार आप कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि जोड़ जबरदस्ती पार होना उदो भगवान जी ने कहा नहीं लक्ष्मण सारे सिस्टम बने हुए हैं कि मैं उन्होंने नहीं तोड़ सकता तीन दिन बाद जो पूजा करते रहे भगवान जी ते नहीं बने अपना जिहड़ा अस्त्र है उठा के उत्ते बाण पतंजय चढ़ाई बाण चढ़ाया ते जदों अगला अस्त्र कहते हैं ब्रह्मास्त्र अग लगनी जाती है सब कुछ सुक जाता वो कहते मैं समुद्र में छुपा रहा अज मां बगला मुखी ताप गुलमोर सिटी च जिहड़ा सप्ताहिक हवन यज्ञ होया उस दे उपलक्ष्य दे विच अज दूरों दूरों आए संगतां ने वर्दी कहर दी ठंड दे विच और आहुतियां डालियां और बहुत ज़्यादा धुंद दी जिहड़ी सवेर दी विजिबिलिटी सी ओह जीरो सीगी फिर भी संगतां ने भारी संगत संख्या च पहुँच के संगत ने हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां और महामाई दा आशीर्वाद प्राप्त किया। अज मां बगला मुखी धाम वल्लों श्री रामचरित मानस दीआं कुछ इक कापियां जिहड़ी महाराज दी रामचरित मानस है वह भेंट की गई श्रद्धालुओं उस उपलक्ष्य के अज असी ये भी दसना चाहते और कहना चाहते हैं कि 22 तरीक न हुम हुमा के अपने नाल के मंदर जोड़े नेड़े के मंदिर है उत्थे पहुँचो और महाराज का जोड़ा श्री राम जी का जोड़ा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो लाइव देखो और अपने अपने मंदिरों में सजाओ और सारे घट्टो घट पाँच पाँच दीपक अपने घर च देसी घ्यो हो सकन देसी घ्यो दे जलान यथाशक्ति जिस तरह भी है वह दीपक जलान और अपने अपने घर च रोशनियाँ करन और प्रभु ऐसे ही साढ़े की कृपा करके धाम जो कि गुलमोह सिटी स्थित हैगा उत्थे माँ के भव्य मंदिर के जड़ा हवन यज्ञ किया गया जेडे लगातार किए जाते हैं हर वीरवार को उस कड़ी के लगातार जोड़ा किया गया है और संगत जवेर तो जुंद होने के बावजूद भी सारिया संगत जुम हुमा के पहुंची हैं और उन्होंने महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। महामाई उन्होंने कृपा करे और इदा ही उन्होंने जी है वो तंदुरुस्ती रहे और खुश रहे और अज मां बगला मुखी धाम वालों जोड़ा राम जी का जोड़ा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उनके उपलक्ष्य के जी रामचरित मानस हैगी है वो संगतों को जी अर्पण की गई हैगी है उन्होंने दी गई हैगी कि वह प्रभु राम जी के जोड़े जीवन का चरितार्थ हैगा उन्होंने पढ़न और उनके उत्ते अमल करने की कोशिश करन। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक माँ मंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। माँ मंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी देवेश्रम सिकंदर अश्विनी कुमार यादव अमित गुप्ता कमल मल्होत्रा आयुष यादव अंकुर मल्होत्रा डॉक्टर मुकेश अरोड़ा डॉक्टर मुकेश यादव इकबाल सिंह बिनी वोहरा मोहित जैन उषा देवी मीना शर्मा ललिता नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। वाचम मुखम पदम समे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम वाचम मुखम पदम समे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम स्वाहा।
सर्व दुष्काल वाचम मुखम पदम समे जीवा किले किले बुद्धि राशि हरि ओम स्वाहा। आज माघ मास की अष्टमी है। अष्टमी, नौमी और चतुर्दशी, ये तीन तिथियां ऐसी हैं कि जब माँ भगवती का कोई भी पूजन करे, पाठ करे, सत्संग करे तो उसका बहुत ज़्यादा फल होता है। और सबसे बड़ी बात कि आज माँ भगवती की आशीर्वाद से पिछले हजार सालों से भी ज़्यादा जो हमारी समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। और अब 22 तारीख को प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पर अयोध्या में, जो उनकी पावन जन्मभूमि है। हम सब अयोध्या तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारे जलंधर नगर का जो सबसे बड़ा पवित्र स्थान है वो सिद्धपीठ देवी तालाब है। तो मेरी सभी जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि जैसे आप यहाँ पर आते हो, मेरे को पता है कि सर्दी में निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर आते हो वैसे ही आपने सोमवार वाले दिन 22 तारीख को कम से कम पाँच दीपक लेकर सिद्धपीठ देवी तालाब में जाकर प्रभु नाम से वो दीपक जलाने हैं और अपनी जो आस्था प्रभु के प्रति है वो वहाँ पर आपने दिखानी है। वैसे तो सिद्धपीठ देवी तालाब प्रबंधक कमेटी द्वारा वहाँ 1,21,000 दीपों की वहाँ पर जो माला होगी उन्होंने उनको प्रज्वलित करना है, लेकिन अपनी तरफ से हमने भी कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हमें सहयोग हम कर सकते हैं वो जरूर करना है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में पंजाब के इकलौते सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में 1,21,000 दिए जलाए जाएंगे। ये जानकारी श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज ने दी। उन्होंने बताया कि श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से ये फैसला लिया गया है कि 22 जनवरी को ये दीप जलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के बाद जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है उसके उपलक्ष्य में वे सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों से अपील करते हैं कि अपने अपने मंदिरों और घरों में दिए जरूर जलाएं। उन्होंने कहा कि इस सब की तैयारियां मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा अपने सहयोग से कर ली गई हैं। तो वहीं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज ने खास जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से तेल, दिया, बाती, माचिस की सामग्री के 3,000 पैकेट्स तैयार किए गए हैं। जो लोग ये सामग्री नहीं खरीद सकते उन्हें ये पैकेट्स दिए जाएंगे। श्री विज ने कहा कि सेवादार विभिन्न स्थानों पर जाकर उन लोगों के घरों में ये पैकेट्स प्रदान करेंगे जो लोग इसे खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा भक्त ये सामग्री श्री देवी तालाब मंदिर में आकर भी प्राप्त कर सकते हैं ताकि कोई घर इस शुभ अवसर को मनाने से वंचित ना रह पाए और प्रत्येक घर में रोशनी हो सके। श्री विज ने लोगों से अपील की कि 22 जनवरी के दिन हर घर में दिए जलाए जाएं और भगवान श्री राम जी के आगमन पर प्रकाश कर भगवान श्री राम जी का स्वागत किया जाए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर तिरपनमाली दरबार के विचों देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी ने कुछ लोगों वास्ते 3,000 पैकेट तैयार किया, जिहड़ा विभिन्न स्थानों पर सेवादार जड़े है और देवी तालाब प्रबंधक कमेटी जी है उन्होंने घर के दीपक, तेल, बत्ती, माचिस का एक पैकेटों से इंतजाम किया गया जड़ा उन्हां लोगों के घर पहुँचाया जाएगा जोड़े लोग नहीं दीपक लै सकते वो शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी को आके इतों भी लिया सकते हैं और प्रबंधक कमेटी तो वो समूह सेवादार उन्होंने घर इस दीपमाला दीपक पहुँचाए जाएंगे कि 22 तरीक न हर घर दीपक जलाया जाए
और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद लिता जाए। जय श्री राम, जय माता दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। एसटीएफ फिरोजपुर रेंज ने 7 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। जालंधर के घास मंडी में एक दुकानदार पर बाइक सवार लुटेरों ने तेज धार हथियार से किया हमला, फोन और 8,000 की नकदी लूट हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।